मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू शुक्रवार को चीन की अपनी 5 दिन की यात्रा खत्म करके लौटे हैं। देश लौटने के बाद उन्होंने बताया कि क्यों उनका ये दौरा बेहद अहम था। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी किसी विदेशी राष्ट्र की पहली राजकीय यात्रा थी, जिसके लिए उन्होंने चीन को चुना। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन मालदीव के सबसे करीबी सहयोगी और विकास भागीदारियों में से एक है। ऐसे में चीन को इस यात्रा के लिए चुना गया। उस दौरे पर दोनों देशों के बीच बहुत अहम समझौते हुए। मालदीव के राष्ट्रपति ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू और फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद चीन का सफल दौरा करके लौट आए हैं। दोनों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्योते पर बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ और सम्मान हुआ। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम डील हुई, जिनका फायदा आने वाले समय में होगा। दोनों देशों की सरकारों ने 20 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों में हुए करार शामिल हैं। बयान में कहा गया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं। दोनों देशों में जो समझौते हुए हैं, उनमें पर्यटन सहयोग के अलावा आपदा जोखिम अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूत करना शामिल है। साथ ही बेल्ट एंड रोड पहल पर सहयोग योजना के निर्माण में तेजी लाना और माले में सड़क परियोजना का विकास शामिल है। वहीं चीन से लौटने के बाद मोइजू ने कहा कि वो चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा करने और इस साल चीन में पहली विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बीते साल चुनाव जीतने के बाद भारत के बजाय चीन की ओर झुकाव रख रहे हैं। मोइजू के ऐसे कई बयानों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात कही है। दोनों देशों में कुछ अहम समझौतों को बढ़ाने से भी मोइजू ने इनकार कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते फिलहाल सहज नहीं है।